जबरदस्त विरोध के बावजूद पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और अब जमकर कमाई कर रही है। इस फिल्म ने महज 5 दिन में 143 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि कई जगह पर इस फिल्म का अभी विरोध जारी है, लेकिन इसी बीच संजय लीला भंसाली ने करनी सेना के लिए एक तीखा बयान दिया है, जिसे सुनकर करनी सेना एक बार फिर भड़क सकती है। जी हां, फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने पीटीआई से बात करते हुए जारी विवाद पर अपनी राय रखी है। भंसाली ने कहा कि फिल्म की रिलीज के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। फिल्म का रिस्पॉन्स उस व्यथा का जवाब है जिसे हम सभी लोग गुजर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। इस दौरान मैंने महसूस किया कि आगे बढ़ने और इससे लड़ने का सबसे अच्छे तरीका है ऐसी फिल्म बनाना जो दिमाग में हो। वहीं जब भंसाली से दीपिका और उन्हें मिलने वाली धमकियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे प्रदर्शन तर्कहीन और विवेकहीन थे। ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि लोग हाथ में तलवार लिए खुलेआम टेलीविजन पर बैठे धमकी दे रहे थे। अगर मैं हर चैनल पर जाकर भी कहता कि फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है तो भी मेरी बात कोई नहीं सुनता। भंसाली ने आगे कहा कि 4 राज्यों में बैन होने के बाद भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओपनिंग को देखकर लगता था कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। मैं दिल से जानता हूं कि ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। फिल्म को पूरा करने से लेकर सेंसर बोर्ड से इजाज़त मिलने और थिएटरों तक पहुंचने तक एक टफ प्रक्रिया रही है। ये मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा मुश्किलों से भरी फिल्म रिलीज रही है। बता दें, भंसाली का ये भी कहना है कि बहुत सारे राजपूतों ने ये फिल्म देखी और यही कह रहे हैं कि हमारा गुणगान हुआ है, इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें कि पद्मावत की रिलीज को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था, यहां तक कि सिनेमा घरों में भी तोड़फोड़ की गई थी। वायरल किड़ा न्यूज़।